Hello everyone. I am Nikhil Patle. Welcome to my blue world. And subscribe to my channel. और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने मछलियों को तालाब में छोड़ के आ चुका हूँ और मैं इसे साफ भी कर चुका हूँ। देख सकते हैं नीचे का जो सारा मिट्टी था उसे मैंने पूरा 2 घंटे लगे, हमें मेहनत लगी इतनी ज़्यादा और फिर जाके क्लीन हो चुका है। लेकिन वापस इसमें बारिश हुआ और पानी भर गया था। देख सकते हैं मैंने इतनी मेहनत से इसे अकेले निकाला था पूरा पानी को, लेकिन फिर भी पानी ऊपर से गिर चुका है और मैंने इसे ढका भी था फिर भी पानी अंदर गया, वो शायद छोटे छोटे छेद से, क्योंकि कल 2 घंटे से बारिश हो रही थी तो इस वजह से हुआ। तो मैं सोच रहा था आज इसमें पेंट लगाऊंगा क्योंकि कल मैं साफ़ कर चुका था। देख सकते हैं ये सूखा हुआ तो है ऊपर ऊपर का, लेकिन जो इसका बेस है वो सूखा नहीं है, तो ये थोड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे क्योंकि आगे आने वाले 2-4 दिन में बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, ऐसा दिखा रहा है वेदर फोरकास्ट में। तो हम सोच रहे हैं कि इसे आज ही पेंट कर दे और जितना हो सके कम से कम ऊपर को तो पेंट कर ही दे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा डीले हो जाएगा और वैसे भी इतने हम लेट ही चल रहे हैं वीडियो में आने में, इसलिए हमने सोचा कि आज इसमें पेंट करेंगे और देखते हैं कि कैसा होता है बारिश में पेंट करने का अंजाम, और करके देखते हैं। अगर अच्छा चला तो ठीक है, और मेरे को देखना भी है कि वो सूखेगा कि नहीं पेंट, और मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है इसलिए मैं बहुत जल्दी पेंट लेने जा रहा हूँ। और पेंट लेके आता हूँ ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का, और इसमें पेंट करते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं पेंट लाने के बाद। तो आप सब देख सकते हैं मैंने ये पेंट लाया हुआ है डिलक्स प्रोमिस का, ये खोल के दिखाता हूँ मैं आपको किस कलर का है ये, कैसे खुलता है भाई। अच्छा इसे हमें पेचकस से खोलना पड़ेगा, ऐसे नॉर्मल नहीं खुलता है, बहुत मजबूती से बंद है। तो चलिए खोलते हैं इसे, आपको कलर दिखाता हूँ। नीला नहीं रे, इसको हाथ से उतारना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने कलर स्टार्ट कर दिया है और मौसम ख़राब होने वाला है, तो अब आधा तो कर चुके हैं तो इसे जल्दी से पूरा भी कर लेते हैं। मुझे लगता है अभी 2-4 घंटे तक बारिश तो नहीं होने वाली, तब तक क्या पता ये सूख जाए, एक कोट तो लगा ही देंगे हम। तो चलिए जल्दी से करते हैं ये सब काम। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जो हमारा टैंक हो चुका है एक कोट से कंप्लीट, और देख सकते हैं ये थोड़ा सा गीला भी है क्योंकि बारिश अभी अभी बहुत ज़ोर से हुई और ये पानी का लेवल भी ऊपर आ चुका है। और आप देख सकते हैं ये एक कोट होने के बाद कैसा दिख रहा है हमारा ये जो टैंक है, उतना खास तो नहीं दिख रहा है लेकिन हम इसमें 2-3 कोट करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखने वाला है। और मुझे तो लग रहा था ये कलर थोड़ा अच्छा होगा लेकिन लगने के बाद थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम देखेंगे आगे कि इसे और डार्क करना है या दूसरा कलर लाना है, ब्लू में ही डार्क ब्लू लाना है तो शायद अच्छा दिख जाए, तो हम ये भी ट्राई करके देखेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक कोट है, एक कोट में कलर समझ आता नहीं है और ये थोड़ा और डार्क होना बाकी है, तो इसलिए हम एक बार डबल कोट करके देखेंगे। फिर भी अच्छा नहीं लगा तो हम इसमें डार्क पेंट लगाएंगे डार्क ब्लू कलर का, फिर देखेंगे। तो यही था आज की वीडियो, और काफ़ी दिन से बारिश हो रही थी तो इस वजह से मैं अभी इसे पूरा पेंट कर भी नहीं पा रहा था, और देख सकते हैं फिर बारिश हो गई तो अभी फिर इसे नीचे निकालना पड़ेगा। तो बारिश के मौसम में ये सब चीज़ आप बिल्कुल ना ट्राई करें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डीले हो रहा है। और हमारा सारा सामान रेडी भी था, और क्योंकि हमने यहाँ पर सोचा था एक सम बनवाएंगे नहीं मतलब खुद बनाएंगे और ऊपर शेड लगवाएंगे, तो ये सब पूरा प्लानिंग था, लेकिन ये बारिश के कारण सारा प्लान चौपट हो चुका है। अगर ये बारिश ऐसे होता रहा तो मैं सोच रहा हूँ इसमें एक तारपोलिन का जो शीट आता है वो भी छा दूँ ताकि हमें कलर करने से ही बच जाएँ और पेंट करने से ही बच जाएंगे, और नीचे का हमें पानी निकालना भी नहीं पड़ेगा। तो धीरे धीरे देखेंगे हम, जैसा जैसा मौसम बदलेगा वैसे वैसे हमारा मन भी बदलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो पर, यही थी छोटी सी अपडेट टैंक के ऊपर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। इसमें शायद हम तारपोलिन शीट डाल सकते हैं या फिर बारिश बंद हुई तो पेंट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।